मैं हूं तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई विल शो यू आ रिव्यू वीडियो। इट इज़ ऑल अबाउट माय ओन DIY ग्लो सीरम जो मैंने कल आप लोगों को बनाना सिखाया था। ये मैं एक्चुअली 1.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ जस्ट फैंटास्टिक। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी इन्ग्रीडियंट्स की जो बेनिफिट्स है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आप सबको बताऊँ कि इन हाउ मेनी वेज यू गाइज कैन यूज़ दिस ग्लो सिरप। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो फिर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये ग्लो सिरम कैसे दिखता है। इट इज़ अ येलो कलर सिरम, इट इज़ जस्ट इन जेल टाइप टेक्सचर, यू कैन सी गाइज। अगर आप लोगों ने मेरा ये काल का DIY ग्लो सीरम बनाने वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। आई रियली होप कि यू ऑल लाइक दिस। तो फिर शुरू करते हैं। इसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड किया था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने ऐड किया था ग्लिसरीन, विटामिन ई ऑयल, रोज़ वाटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे ऐड किया था पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। आप लोग कोई भी एलोवेरा जेल इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल्स हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ये सब लोग जानते हैं। एलोवेरा जेल में इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसके अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, गिबेरेलिन एंड ऑक्सिन। ऑक्सिन हेल्प्स टू प्रिवेंट योर स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन एंड ब्राइटन्स योर स्किन। इट एंड गिबेरेलिन प्रोमोट्स न्यू ग्रोथ ऑफ योर स्किन सेल्स एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एसिंग, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एजिंग and it also prevents your skin types problem like chronic diseases, inflammatory diseases, fungal diseases. It prevents all of these diseases. And aloe vera gel also contain antioxidant, vitamin E and vitamin C, which also helps to glow your skin and it also provide you a even tone color. एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट पे आते हैं। सेकेंड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी आपकी स्किन की मॉइस्चर को लॉक करता है, आपकी स्किन की डर्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अंदर भी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये भी एसिन प्रिवेंट करने में काम आता है। और नेक्स्ट है रोज़ वाटर। थर्ड इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी क्लोज पोर को ओपन कर देता है, डर्ट को रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड बट नॉट द लीस्ट है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई कैप्सूल मैंने ऐड किया था, उसके अंदर से मैंने विटामिन ई ऑयल एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया था इसके अंदर। विटामिन ई ऑयल उसके अंदर है, उसके अंदर विटामिन ई है। विटामिन ई ऑयल आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, डार्क सर्कल्स रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्लो सीरम मैंने बनाए हैं, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल, विटामिन ई कैप्सूल एंड रोज़ वाटर से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, एसिन प्रिवेंट करेगा, एजिंग को भी प्रिवेंट करेगा और आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा। अगर आप लोग इसे डेली यूज़ करेंगे तो ज़रूर इसकी बेनिफिट्स आप लोगों को नज़र आएगा खुद ही। तो फिर अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन यूज़ दिस ग्लो सीरम। यू कैन यूज़ इट एज अ नाइट क्रीम, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ मेकअप प्राइमर एंड ऑल्सो एज अ मेकअप बेस। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ लाइट मेकअप पर्पसेस। आप लोग इसे अगर कभी जल्दी में मेकअप करना हो और लाइट मेकअप चाहते हो तो इसको एज अ बेस यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पे आप थोड़ी देर रख दीजिए, उसके बाद आप फाउंडेशन या फेस पाउडर लगा के बाहर चले जाइए। इट विल
आपके मेकअप को होल्ड करने में ये हेल्प करेगा आपको और एक बहुत ही अच्छा फील भी आएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया है मैंने आप लोगों के साथ कि मेरी ग्लो सीरम की बेनिफिट्स और किस तरीके से आप मेरी ग्लो सीरम को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप लोग देखिए और ये जो ग्लो सीरम मैंने बनाया है इसको ज़रूर आप लोग घर में ट्राई कीजिए एंड आई रियली होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील होगा ये यूज़ करने के बाद। तो चलिए मेरा आज का वीडियो यही तक था। आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मेरा आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।